हमारे डॉग स्टोरीज के फर्स्ट एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉग के बारे में जो अपने ओनर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था। ये स्टोरी है कैपिटन नाम के एक जर्मन शेपर्ड के बारे में, जो अपने मालिक की ग्रेव को पिछले 6 सालों से हर रोज दिन और रात गार्ड कर रहा था। सेंट्रल अर्जेंटीना के एक टाउन विला कार्लोस पेज में एक गजमैन फैमिली रहती थी। मिगुएल गजमैन अपने 13 साल के बेटे डैमियन के लिए 2005 में एक जर्मन शेपर्ड लेकर आए एज अ बर्थडे प्रेजेंट। मिस्टर गजमैन ने उस जर्मन शेपर्ड का नाम कैपिटन रखा। उन्होंने कैपिटन को बहुत ही अच्छी तरीके से पाला और उसे बड़ा किया। वो शाम को हर रोज कैपिटन को अपने साथ वॉक पे लेकर जाते थे और कैपिटन को भी मिस्टर गजमैन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। लेकिन अगले साल मिस्टर गजमैन की 2006 के मार्च में अचानक से मौत हो जाती है। मिस्टर गजमैन की फैमिली उस वक्त बहुत ही ज्यादा दुखी थी और जब वो मिस्टर गजमैन के फ्यूनरल से घर लौट रहे थे तो उन्होंने घर में आके देखा कि कैपिटन घर में नहीं था। मिस्टर गजमैन की वाइफ वेरोनिका ने कैपिटन को बहुत जगह ढूंढा लेकिन उन्हें कैपिटन नहीं मिला। 2-3 दिन होने के बाद वेरोनिका को लगा कि कैपिटन या तो शायद गुम गया है या फिर किसी गाड़ी के नीचे आके उसका एक्सीडेंट हो गया है। अगले संडे जब वेरोनिका और उनका बेटा डैमियन सेमेट्री में गए तो उन्होंने वहां पे देखा कि एक डॉग बैठा हुआ है। डैमियन ने उस डॉग को जैसे ही देखा उसे पता चल गया कि वो उनका पेट कैपिटन है। और जैसे ही कैपिटन ने वेरोनिका और डैमियन को देखा वो उनके पास भागते हुए आया और जोर जोर से बाग करने लगा और हाउलिंग करने लगा मानो वो रो रहा हो। वेरोनिका ने अर्जेंटीना के कोर्डोबा न्यूज़पेपर में ये बताया कि उन्होंने तो सोचा था कि कैपिटन या तो कहीं खो गया है या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया है या फिर शायद उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। उन्हें नहीं पता था कि कैपिटन इतने दिनों से सेमेट्री में रह रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कैपिटन को कभी सेमेट्री में लाया ही नहीं गया था, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी दूर से कैपिटन अपने मालिक के ग्रेव में आ गया। उस संडे डैमियन ने कैपिटन को घर ले जाने की भी कोशिश की लेकिन कैपिटन वहां से जाने को ही राजी नहीं था। उसके बाद जब अगले संडे दोबारा गजमैन फैमिली सेमेट्री आई तो उन्होंने वहां पे दोबारा से कैपिटन को बैठे हुए देखा। इस बार जब डैमियन ने कैपिटन को घर ले जाने की कोशिश की तब थोड़ी दूर तक कैपिटन उनके साथ चला लेकिन उसके बाद कैपिटन दोबारा घूम के वापस सेमेट्री में आ गया। सेमेट्री के डायरेक्टर हेक्टर कहते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब एक दोपहर एक जर्मन शेपर्ड डॉग अकेले घूमते फिरते सेमेट्री में आया और आके एक ग्रेव के पास बैठ गया, अपने मास्टर के ग्रेव के पास। हेक्टर ये भी कहते हैं कि कैपिटन हर सुबह इधर उधर घूमने के बाद शाम के वक्त शाम 6 बजे अपने मालिक के ग्रेव के पास आ जाता है और सारी रात अपने मालिक के ग्रेव के ऊपर ही बैठा रहता है और उन्हें गार्ड करता है। कैपिटन पिछले 6 सालों से हर रोज अपने मालिक के ग्रेव के पास बैठा रहता था। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब वो उस ग्रेव के पास से रात को हिला हो। सेमेट्री के स्टाफ कैपिटन की देखभाल करते थे और कैपिटन को खाना पानी वगैरह सब देते थे और वो भी हर रोज। मैंस बेस्ट फ्रेंड, दोस्तों डॉग्स को मैंस बेस्ट फ्रेंड भी बोला जाता है और वो किसी रीजन से बोला जाता है। अगर आपके पास डॉग है तो आप ये बात समझ पाएंगे। डॉग्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे घर में रहते हैं, छोटे घर में या फिर बड़े घर में, या फिर आप कैसे दिखते हैं। इन्हें बस आपके साथ रहना है अपनी आखिरी सांस तक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड जर्मन शेपर्ड डॉग कैपिटन और उसकी एंडलेस लॉयल्टी के बारे में। और पॉपुलर डॉग स्टोरीज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।